वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट आपका फेवरेट सेगमेंट है। ये एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स होते हैं जो अपने स्किल्स यानी कि स्ट्रांग होती है, जिनके हुनर प्रेजेंटेबल होते हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, चाहे वो हैंडमेड चीज़ें हो, फैशन डिजाइनिंग हो, आपके रैम्बो को ड्रेसेस हो, लॉट्स ऑफ थिंग। खवातीन आगे बढ़ती हैं, अच्छा लगता है। फिर ब्यूटी सेगमेंट में बहुत सारे, क्योंकि PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री इज अ लॉट्स ऑफ वेज, लाइक के भाई उसमें ड्रेस डिजाइनिंग भी आता है, उसमें मेकओवर आता है, हेयर स्टाइल आता है, हेयर कलर आता है, इसमें स्किल्स आती हैं, तो फैशन इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो लेट्स सी, आज हमारे पास ब्यूटी सेगमेंट में हेयर स्टाइल भी है और ब्राइडल मेकओवर है। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको ब्यूटीशियन रूबीना से, और इनका सलून है रोशनी सलून। रोशनी फैला रही है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद। यस, आई एम बैक, बहुत दिनों बाद, आई एम बैक। अच्छा, न्यू सैलून ओपन कर दिया आपने? जी, न्यू सैलून की ओपनिंग हो गई है, महमूदाबाद 6 नंबर और अशरफ कॉलोनी। गुड, बेस्ट ऑफ लक। अरे, एरिया मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है, ऑनेस्टी होनी चाहिए और आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। देखिए, एक मैंने चीज बड़ी अच्छी देखी गोरों में, वो बंदों को उनके अप्रिशिएट, हाँ, उनके टैलेंट से अप्रिशिएट करते हैं, मेरिट पे। वो इन चीजों को नहीं देखते कि बंदा कौन सी जबान है, इसका कौन सी वो है, वो इन चीजों को नहीं मैटर करते। तो मैं अपने पाकिस्तान में टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, और हमारे पाकिस्तान में सभी आप ही और अर्शद भाई अप्रिशिएट करते हैं। बस हम लोग चाहते हैं आप लोग आगे बढ़ो, अल्लाह पाक आपके रोजी रोजगार में मजीद तरक्की दे। गुड गुड, चलिए आज क्या बना रहे हो? मैं ब्राइडल बना रही हूँ, बारात की ब्राइडल है। मैंने हेयर स्टाइल डन कर दिया है और इनका बेस बनाया है काशीज से। ओके, ठीक है, काशीज फाउंडेशन से, ठीक है, नंबर 5 शेड से, ठीक है। और इनकी आईज मेकओवर कर दिया था, ठीक है, बाकी का मेकओवर अब मैं। ओके, ठीक है, हम इससे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लोजअप में बाद में ब्रीफ भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारी लेफ्ट हैंड पे मेरी प्यारी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, हिना जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, क्या सैलून का नाम बोलिए? फ्रेश रोज। फ्रेश रोज, हाँ, ये खुद फ्रेश फ्रेश है। फ्रेश फ्रेश मेरी प्यारी बहन, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आज बहुत दिनों बाद आपसे भी मुलाकात। बस सीजन स्टार्ट है, माशाल्लाह से बुकिंग्स हैं। कसम से ये लड़की आते नहीं चढ़ी मेरे पूरे के जो रमजान में, और इनका ईद, ऑफ कोर्स ये सीजन है, खवातीन है, ऑफ कोर्स इनके सलून में डिफरेंट अपनी अपने सर्विसेज करवाने आती हैं लड़कियाँ, तो इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और अभी जो सीजन है शादियों का, ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, शादियों का सीजन है, सबको अपने हेयर ग्रूमिंग भी करवानी है, अपना वैसे भी सब कुछ करवाना होता है, और तो हुसन किसके लिए खवाती? बिल्कुल ऐसे बात है। चलिए, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे स्पेशल टॉपिक है आज, इनसे बात करेंगे हेयर से रिलेवेंट, कुछ टिप्स लेंगे इना से। हेयर की बात हो रही है तो हेयर स्टाइल की बात ना हो, और फिर हिना एच के सलून की बात ना हो तो पॉसिबल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। मेरे प्रोग्राम की खास एक बंदी है, और उसका नाम है हिना। दोनों आज हिना मेरी प्यारी बहनें मौजूद हैं। हिना कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अच्छा, हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर रुकना पड़ेगा अभी नहीं। हम इसको आज क्या सिखाएंगे आप ये बताओ। देखिए, मैंने ना लास्ट प्रोग्राम में मैंने 4 स्ट्रैंड ब्रेड सिखाई थी, ओके, तो आगे से मैंने फ्रंट 4 स्ट्रैंड दे दिए, अब मैं मैसी ब्रेड मैसी जोड़ा बनाऊंगी। अच्छा, जब मैं कहूंगी जब स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा हिना, ये जो हेयर ऑफ कोर्स कलर हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद जो देख रहे हैं नाजिन मेरे हेयर कलर, यस मैं नाजिन बड़े क्लोज में करी, देखिए कलर पता क्या होता है, जब हम लोग अपने बालों पर बार बार कलर्स करवाते हैं तो हमारे हेयर जो है ना रफ हो जाते हैं, तो आप मुझे बताएं इनको क्योर करने के लिए ऑयलिंग करना या किस तरह हम इनको क्योर कर सकते हैं? जब बार बार हम कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं तो लाजमी बालों में पोरस हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इसमें जो है मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, कैरेटीन ख़त्म हो जाता है। तो अगर कभी भी कोई भी अगर हम कोई कलर ले रहे होते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि कैरेटीन ट्रीटमेंट साथ साथ लें या फिर प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, और घर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में भी चाहें तो अच्छी तरीके से इसको ऑयलिंग करें, तो ऑयलिंग करने से बाल काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, देखिए जिस तरह कुछ गुफ्तगु कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हेयर से रिलेवेंट कुछ पूछना हो या मेकओवर की कुछ टिप चाहिए, और रुबीना मौजूद है, हिना हेयर स्टाइलिस्ट मौजूद है, और माशाल्लाह ये हिना जुबैर मौजूद है, ये तो माशाल्लाह डिफरेंट ऑलराउंडर बंदी है, तो ये तीनों ही ऑलराउंडर हैं, कोई जिससे भी कुछ सवाल करना चाहे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेयर से रिलेवेंट जो है गुफ्तगू करूँ, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि कुछ लोगों की रूट बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ें, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिना हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो जो गैर जरूरी जो मार्केट्स में मिल रही होती हैं, प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, लोग उसको घर में ट्राई कर लेते हैं. लाइक वो ब्लीच उठा लिया और बालों में खुद से के सरों नहीं जाना, छोड़े हम खुद ही घर में ट्राई कर लेते हैं. ब्लीच से याद है, मुझे एक वक्त आया था, मुझे हंसी आती है, वो जो चेहरे पे लगाने वाली ब्लीच बच्चे तो सारी लड़कियां जो बच्ची भी सब अपने सर पे लगाने ये मतलब उनको यही नहीं मालूम, कोई गाइड ही नहीं कर रहा. और पिछले तो मेरी भांजियाँ जो माशाल्लाह अभी उनके इतने लॉन्ग हेयर हैं, ब्लैक हैं, तो उम्र कम है ना, तो वो आंटी मैंने ना वो एक्सचेंज जो करवाना, पता है क्या क्या बोल रहे, मैंने कहा देखो एक बार केमिकल लग गया ना, टच हो गया, तो फिर आपको मजबूरन करवाना पड़ेगा. देखिए अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवा रहे हैं ना, तो फिर आप ये सेफ साइड होती है. घर में आप ट्राई कर रहे हैं, कुछ उठा लिया लगा दिया, तो लाजमी सी बात है आपका बाल डैमेज होगा. अब जैसे हमें हमने इतने ज़्यादा डिप्लोमा किए हुए हैं, सीखा हुआ है बहुत ज़्यादा, और फिर हम इस पर वर्क करते हैं, फिर भी हम बहुत संभल के काम करते हैं, पहले स्ट्रेंथ टेस्ट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये आपका बाल जो है वो बर्दाश्त कर भी पा रहा है कोई केमिकल या नहीं कर पा रहा. अब घर में लोग उठाते हैं, कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, बाल लाजमी उनका बाल ड्राई होना शुरू हो जाता है, बाल टूटना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है. फिर उसके बाद वो सैलून का रुख तो करते हैं, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, फिर वो इसके फिर बहुत एक्सपेंसिव लाजमी ट्रीटमेंट्स होते हैं. फिर अगर वो करवाते रहें और स्लोली स्लोली फिर जाके बालों में बेहतरी आ सकती है. अच्छा, साथ साथ मैं ज़ुबैर से भी बात करूँगी और रूबीना से भी, और मेरी इस वक्त क्योंकि ख़वातीन का ब्यूटी सेगमेंट है, ब्यूटी में एक और प्रोग्राम भी होता है और सेगमेंट होता है, वो है कुकिंग. तो कुकिंग की जानिब हम चलते हैं और एक सवाल और हिना ज़ुबैर से मैं करूँगी, लेकिन आंसर बाद में लूँगी, वो ये कि ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो मुझे कुछ होम रेमेडीज़ बताएं. कुछ लोग कहते हैं कि जी वो आलू का रस, खीरा, लेमन कुछ डाल के, यानी कि कुछ थोड़ी सी घर के टोटके जिसे कहते हैं, तो हिना ज़ुबैर बहुत अच्छे बताएंगे इंशाल्लाह, उनसे भी बात करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं किचन में जा रही हूँ, किचन है और टोटके भी हैं, तो हिना ज़ुबैर भी है, तो ये सारी बातें एक साथ चलेंगी. तो कौन है शेफ शाहिना शुमाइल इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप सामने कैमरे की तरफ देखें, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ. जी कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, आप सभी बताएं कैसी डिश क्या बन रही है आज? डिश बन रही है अचार या आलू बैंगन, क्योंकि ये डिश मैं यूँ बना रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो सिंपल सब्जियाँ खाने में थोड़ा सा. वालेकुम अस्सलाम, वॉकिंग करते हुए हमारे. अच्छा सबसे पहले आप सबको भी मेरा बहुत सारा सलाम, और उम्मीद है आप लोग सब अपने घर में खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने पका के अपने घर वालों को खिला रहे होंगे. अच्छा जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अचारी आलू बैंगन. तो आलू बैंगन अचारी जो है ना ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाते हैं. इसमें ये होता है सभी के, बहुत सारे जेंट्स होते हैं घर में और लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो सब्जी सुन के जो है ना थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, और तो हम उसको फ्लेवरफुल करने के लिए ना थोड़ा सा अचार का टेक्सचर देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत इन्हेंस हो जाएगा, बूस्ट करेगा. और वेजिटेबल्स जो होती है ना वो हमारी डाइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और बेसिकली बात ये है कि सारी जो हर चीज़ का अपना एक मतलब डाइट प्लान होना चाहिए, कि आप अपने अगर वीक में आप अगर चिकन ले रहे हैं, अगर आप मीट ले रहे हैं, आप बीफ ले रहे हैं, तो आप जो है वो वेजिटेबल्स को भी ऐड करें अपनी डाइट में, आप जो है अपनी सैलड्स को अपनी डाइट में ऐड करें. तो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आई हूँ रेसिपी, ताकि ये अच्छी भी लगे और सब्जियाँ भी घर में बननी चाहिए, और इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं. शाइना के बच्चे जो है ना वो अक्सर इसको अवॉइड करते हैं सब्जियों का नाम सुनते ही ना, और वो कहने जी टिंडे बैंगन के नाम सुनते ही लौकी, तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन आलू ऐड हो जाते हैं. लेकिन इन्होंने अचार मिला दिया इसके अंदर, अचारी मसाला, तो फिर क्या होगा, तो वो एक चटपटा सा और मजेदार सा फ्लेवर, यमी सा बिल्कुल आ जाएगा. तो बहुत ही बहुत एग्जैक्टली, नान के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं. आलू बैंगन को अवॉइड करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में हम अवॉइड, और इसकी ये फुल ऑफ आयरन होता है इसके अंदर, थोड़ी देर कटिंग करो तो ये देखिए मैंने बिल्कुल अभी लास्ट में कट किया है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना. अच्छा, अक्सर लोग इसको ना एंड में ही कट करते हैं. हां, बिस्मिल्लाह करते हैं. इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दी चाहिए. ऑयल डालना है जी, इसके अंदर ऑयल शामिल होगा. ये मेरे पास अचारी मसाला है, ठीक है, ये मारूफ का अचारी मसाला जी, मारूफ का अचारी मसाला है. ये मेरे पास चिली फ्लेक्स मौजूद है, यहाँ मेरे पास ये रफली चॉप टोमेटोज है, तकरीबन 4-2 बिग टोमेटोज हैं, ठीक है, इनको मैंने रफली चॉप किया है. यहाँ मेरे पास 3-4 जवे लहसुन के मौजूद हैं. अदरक नहीं, अदरक नहीं चाहिए इसके अंदर. अच्छा, ये मेरे पास आलू है, ये जितने मैंने बैंगन लिए उतने ही मैंने आलू लिए, यानी कि 300 ग्राम ये बैंगन मेरे पास मौजूद है. अगर आप एक पाव ले रहे हैं तो एक पाव बैंगन
आधा किलो है तो आधा किलो ठीक है। और 300 ग्राम में तकरीबन मेरे पास यहाँ आलू मौजूद है जिनको मैंने वेजेस स्टाइल में इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है ठीक है। और यहाँ मैं अपने स्पाइसेस का बता दूँ, इसके अंदर नमक ऐड होगा, इसके अंदर हल्दी ऐड होगी, वो घर के जो मसाले जी। और यहाँ ये वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर जो है ये आप अगर बेसिकली कोई भी खाना बनाएं तो आप इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ डालें तो इससे फ्लेवर जो है ना खुल जाता है, थोड़ा सा कहते हैं ना जायका खुल गया, तो ये वाली बात होती है। तो वाइट पेपर करते हैं, देखते रखते हैं हम लोगों ने पत्ती। अच्छा जी, हम थैंक्स फॉर ग्लैम गैस, स्पेशली ग्लैम गैस के स्पेशल उन्होंने हमें स्टोव दिए हैं और ये स्टील के हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपके बर्तनों को ये काला नहीं करते। थैंक्स फॉर ग्लैम गैस, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस। और थैंक्स फॉर मारूफ मसाला जिनका अचारी मसाला हम यूज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करना है ठीक है चंदा। चलें जी। अच्छा ये बताओ कि मेरे पास हाफ कप ऑयल मौजूद है ठीक है, यहाँ मैंने इसे ऐड किया है ठीक है जी। जब तक ये गर्म होते हैं हम आपसे पूछते हैं आपका फेसबुक आईडी क्या है, ताकि लोग अगर आपसे डिश कब से कर रहे हो आप, कब से कुकिंग में लगती हूँ आपकी इतनी प्यारी सी क्यूट कि कहाँ कुकिंग वुकिंग में पढ़ रही है। असल में बेसिकली जो है ना मैंने डिप्लोमा किया है कलरी आर्ट्स में और मतलब मेरा पहले से ही शौक था, तो मैंने उसको कहा कि मैं इसको एक पैशन में चेंज करूं। तो ये है फेसबुक पेज जो है मेरा अभी नहीं है, और क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल रन करती हूं, तो यूट्यूब चैनल है मेरा शेफ़ शाहिना शुमाइल के नाम से। और उसमें आपकी रेसिपीज मौजूद होंगी, रेसिपीज मौजूद है मेरी, और आप लोग जाइएगा सर्च कीजिएगा देखिएगा ठीक है। एक बार फिर बता दो आपका इनका यूट्यूब चैनल है शाहिना शुमाइल के नाम से, वहाँ पर बहुत सारी डिशेस जो आप खाना चाहते हो। और मेरा चैनल है जो कि शेफ नाइफ के नाम से भी मौजूद है, शेफ नाइफ के नाम से मौजूद है। फायर और जो नाइफ होती है ना वो शेफ की स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगा दो आग, धमाके कर दो। चले जी, वेलकम। आई थिंक व्हाट जी होगा। अच्छा ये ऑयल इसको आपको तेज कर लेते ना, तेज होगा फिर मैं आपने बंद ही कर दिया होगा। नहीं हाँ ओके इसलिए नहीं डाला जीरा मैंने, क्योंकि यहाँ मेरे पास अचार का मसाला मौजूद है, इसमें ऑलरेडी जीरा मारूफ मसाले का मौजूद है इसके अंदर। अच्छा इसमें एक और चीज, साबुत धनिया कलौंजी करो, मैंने एक चीज मैंने देखी मारूफ मसाले में कि ये जो जैसे वो भुना हुआ धनिया सूखा और भुना हुआ जो इसका फ्लेवर आता है वो इनके मसाला करके आता है। जब मैं नहीं यूज करती ना कोई मतलब मसाला जो पैकेट्स वाले होते हैं, तो मैं घर में ही ना मतलब सौंफ साबुत धनिया कलौंजी को रोस्ट करके और फिर ये आसानी हो गई ना इससे बेहतरी। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी सबसे पहले जो है मैंने ये ऑयल मेरा यहाँ पे गर्म हो चुका है और यहाँ तकरीबन मेरे पास 3 से 4 जो है लहसुन के चॉप है ठीक है, और मैं यहाँ इसे ऐड कर रही हूँ। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ फरमाइश है, देन आप हमें कॉल कर सकते हैं। और देखो मैं फ्लेम इतनी काफ़ी है, थोड़ा सा और तेज़ थोड़ी सी तेज़ थोड़ी सी और ओके नहीं नहीं तेज़ कर दो ना सुनिए ओके। असल में मुझे लग रहा है कुछ गैस के पीछे से कुछ प्रेशर कम है ना, ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ जो है मैंने इसको लहसुन को जो है वो हम थोड़ा सा इसको पिंक करें। अच्छा जब तक इसको पिंक करते हैं हम अपने ब्यूटीशियन की तरफ चलें। चलें जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं। हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी सभी, मैं नायला बात कर रही हूँ कराची से। जी नायला कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। यार आप इतनी दुबली लग रही है, क्या मतलब है? मैं क्या बहुत मोटी लगती हूँ? नहीं नहीं आज तो बहुत ज्यादा दुबली लग रही है। अच्छा सही लग रही हूँ मैं? ये बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, ये बताओ यार। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छा? दुबली लग रही है इसलिए मैंने कहा मैं बहुत तो सही, और आज डिश भी बहुत अच्छी बन रही है मेरी फेवरेट। अच्छा आलू बैंगन, क्या बात है भाई। प्रोग्राम आप देखते हो? जी जी बिल्कुल। पसंद आता है? बिल्कुल पसंद आता है। अच्छा तो आप बेसिकली भी कुकिंग का भी? अच्छा। और मसाले इतने अच्छे हैं, देखिए तो पता चलेगा ना कि कैसा है जायका। ये होशियारी जो आपने की है। हमने वैसे तो पैकेट इस्तेमाल करे हैं, इनका नहीं पता हमें। तो खरीद के लेके ना टेस्ट करके देखे ना, कहाँ से मिलेंगे ये वाले मसाले? ये बहुत अच्छे, ये मैं बाजार से मिलेंगे ऑफ कोर्स मारूफ मसाले, नो डाउट। रियली मैं सच कह रही हूँ बहुत टेस्टी है इनके अंदर। जी थैंक यू सो मच। देखा यार ऐसे तो जुल्म हो गया शहजाद भाई, ऐसे बच्ची की कॉल काट के आपको क्या मिलेगा।
चलिए जी, हमारा लेसन जो है असल में फ्लेम जो है, अल्लाह खुश रखे हमारी गवर्नमेंट को, बस धीमे 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 वो गाना मुझे याद आ गया, धीमे धीमे धीमे। अच्छा जी, जब तक ये मेरी बहन हल्की आंच पे पकाओ, मेरा सोना कल तक तो पक जाएगी हंडिया। अच्छा, मैं इसमें हम साथ साथ मसाले ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि टाइम, और ये साथ साथ मसाले भी इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एक मिनट, हम लोग कुकिंग उसकी तरफ चलते हैं, ब्यूटी आपके पास कोई मसला नहीं, अभी बहुत टाइम है मेरी शहजादी, हम इसको पका लेंगे जी। हम चलते हैं ब्यूटिशियन की तरफ। रुबीना मेरी जान जी, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ। मैंने इनको ब्लश ऑन लगाया है, कंटूर किया है, वैसे तो इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फीचर वैसे ही ऑलरेडी इनके इनहेंस है, तो उन पे फिर कम कंटूरिंग होती है। जिनके चबी फेस हो, डबल चिन हो, उन पे ज़्यादा कंटूर किया जाता है, तो ऑलरेडी इनकी ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सिंपली इनको कंटूर किया है, फिर उसके बाद ब्लश ऑन लगाया और अब हाईलाइटिंग कर रही हूँ उनके एरियाज को। ओके, अच्छा जी। नाज़रीन, हम लोग हिना जुबैर से बात कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड जी। हिना जुबैर, आप मुझे बताएं कि अगर हमारी स्किन्स के, जैसे अभी मैं चूल्हे के आगे खड़ी हूँ और वो ख़वातीन जो चूल्हे के आगे जाती हैं, मेरी प्यारी बहनें, मैं कैसे भूल सकती हूँ, घर में लगी हुई है, ये पसीने निकल रहे हैं, गर्मी है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। पोर्स ओपन होने की तो पहले वजूहात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। बताया तो है, किचन में जा रहे हैं, गर्मी देखो, अरे हमारे कैसी है ना, मुझे लगा सारा दिन सलोन में रहते हो। नहीं, असल में पानी पिए ना, तो उससे हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन जो है ना वो कम होती है। तो आप जब भी कुकिंग कर रहे हो ना, क्योंकि बेसिकली हम लोगों का काम, मतलब हम शेफ़ हैं और हमारी प्रैक्टिस में ये होता है कि हम अपने साथ एक वाटर बॉटल रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा हम जो है ना उसमें पानी पीते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी जो स्किन डिहाइड्रेट रहती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। तो एक छोटी सी, मतलब ये टिप है और सबको फॉलो करनी चाहिए, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे भी जो है ना हमारी बॉडी में जो है, आप अगर नोट करें तो काफ़ी जो हिस्सा है वो पानी का है और उसके बाद खुराक का। अरे है, तो दुनिया में भी यही है कि 3% पानी और 1% खुशकी है। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए इंटरनल तो हमने पानी पी लिया, लेकिन एक्सटर्नल क्लींजिंग भी ज़रूरी, क्योंकि बाहर से भी तो प्रॉब्लम्स है, वो बताओ ना। जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो लाजमी जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पोर्स जो हैं वो खुलते रहते हैं। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें टोनर का इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने पास अपने फ्रिज में टोनर रख लें, या आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं घर में, आपने रोज़ वाटर बना के ख़ुद से बना लें, घर में बना के आपने फ्रिज में रख लिया, जब आपको याद आए आपने उसको टोनर कर दिया। जब आप टोनर का स्प्रे करते रहेंगे दिन रात घर में, तो आपकी जो स्किन है वो इवन टोन रहेगी। जब स्किन इवन टोन रहेगी तो लाजमी फिर आपके जो हैं वो पोर्स, फिर वो श्रिंक होते रहेंगे, पोर्स खोलेंगे नहीं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी जैसे कि बस मेरे ख्याल लहसुन हो गया, थोड़ा सा ये डल जाए उसके बाद हम उसको डालें, मसाले डालें, हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन पहले ये डल जाए उसके बाद, ठीक है। तकरीबन मैं हाफ ओके हल्दी ऐड कर रही हूँ, ओके 1 टीस्पून मैं जो है इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये रेड तलहार मिर्च जो होती है वो है, तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें डालो, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसको वैसे मिक्स करती हूँ, ठीक है जी। व्हाइट पेपर मैं इसमें पिंच ऑफ ऐड कर रही हूँ, ओके। और इसके अलावा मेरे पास चिली फ्लेक्स मौजूद है, ठीक है, और ये तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ ये अचार का, मारूफ अचार का मसाला मेरे पास मौजूद है, मारूफ मसाले जी, तकरीबन मैं इसमें 2 टीस्पून जो है ये मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, जबरदस्त, गुड है। मैंने इसमें 2 टीस्पून अचारी मसाला ऐड किया है। और ये मेरे पास तकरीबन टमाटर, मैंने आपको बताया था 2 बिग साइज के टोमेटोज मेरे पास ये फाइन चॉप है, और मैं इसे यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है ठीक है। और अब हम टमाटरों की जो है ना थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम अपनी सब्जियों को ऐड करेंगे, ठीक है। जब सब्जियाँ ऐड करेंगे मुझे इसको हम लोग स्टीम पर रख दें, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं नाज़रीन, लोगों ने बिल्कुल जाना है और आना है, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।